ओम नमः शिवाय। शिव सबके सहाय। दुर्लभ सामग्री की एक और अति दुर्लभ वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं जानता हूं आप काफी समय से मुझे एक प्रश्न पूछ रहे थे, गुरुजी सरकारी नौकरी पाने के लिए आपकी वीडियो कब आएगी। बहुत से साधक अथवा साधिका मुझसे बार बार यह प्रश्न करते थे कि गुरुजी कृपया करके सरकारी नौकरी के ऊपर ऐसी वीडियो बनाइए जिसे करने के बाद हमारा सरकारी जॉब पाने का सपना जो है वो पूरा हो जाए। आज की जो वीडियो आपको दी जा रही है, जिस वीडियो को आप अभी इस वक्त देख रहे हैं, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो के अंदर जो आप उपाय देख रहे हैं या किसी प्रकार का कोई मंत्र बताया जा रहा है, इसे साधारण समझने की गलती मत करिए। यदि आप वास्तविकता में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके गूढ़ रहस्य को समझिए कि सरकारी नौकरी के मिलने के पीछे ऐसे क्या सिद्धांत हैं जो हमेशा कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे लोग सरकारी नौकरी पा जाते हैं जो उसके लायक नहीं होते, ना ही उनमें उतनी प्रतिभा होती है, किंतु फिर भी वह सरकारी नौकरी पा लेते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका असली कारण क्या है, मैं आपको वही समझाऊंगा। और जब आप इनके रहस्य समझेंगे तो आप स्वतः ही जान जाएंगे कि सरकारी नौकरी पाने का मूल सिद्धांत क्या है। सरकारी नौकरी यदि आप पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना सूर्य मजबूत करना होगा। जिस भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है उसका सूर्य हमेशा उच्च का होता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने सूर्य को इतना मजबूत करिए कि उसके शुभ प्रभाव आपको मिलने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह आपकी कुंडली में कहां पर है, सिर्फ आपको कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उसके अच्छे यानी कि शुभ प्रभाव आपके जीवन में आने लगे। इसके लिए सूर्य को बलवान करने के लिए अपने पिता से संबंध अच्छे बनाएं। यदि आपके घर में आपके पिता हैं तो आप उनसे संबंध अच्छे बनाएं, उनसे बात करें। किसी भी कारणवश यदि आप बात नहीं करते तो उनसे बात करना शुरू करिए। जब आप अपने पिता से बात करना शुरू करेंगे, उनके साथ मीठे संबंध बनाएंगे, तो आपका सूर्य उच्च का होने लगेगा, उसके अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे क्रमबद्ध चीजें बता रहा हूं जिनको आप नोट कर लीजिए और एक जगह लिख लीजिए और उनको उसी तरह अपने जीवन में अमल में लाइए, और उसके बाद आप खुद देखिए आपको किस प्रकार से सरकारी नौकरी मिलती है। दूसरे नंबर पर, जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, जब भी कोई महिला या कोई पुरुष सूर्य को जल चढ़ाए, तब जल नीचे जब गिरता है लोटे में से तो वह आपके पैरों पर एक लेश मात्र भी नहीं गिरना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए आपके पैरों के ऊपर सूर्य के जल की, तभी उसे पवित्र माना जाएगा, तभी सूर्य देवता उसे ग्रहण करते हैं। यदि आप जल गिराते हैं और वह आपके छींटे लग जाते हैं आपके पैर पे कहीं पर भी, तो वह नहीं माना जाएगा। इसीलिए अधिकतर जो पंडित होते हैं वह नदी में खड़े होकर जल देते हैं। इस प्रकार से उनके पैरों में जो उनके लोटे का जल होता है कभी भी स्पर्श नहीं कर पाता। दूसरा नंबर, जो आप जल चढ़ाएंगे वह जल आपके पैरों पर स्पर्श ना हो, इस प्रकार से आपको सूर्यदेव को जल देना है। और यह संभव कैसे होगा कि आप जल चढ़ाएं और जल आपके पैरों पर ना गिरे, उसके छींटे ना गिरे? इसके लिए आपको नीचे एक पात्र रखना होगा। खाली पात्र भी रख सकते हैं, जो जल पात्र में गिरे आपके पैरों पर छींटे ना लगे, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और आप नीचे कोई गमला भी रख सकते हैं जिसके ऊपर आपका जो जल है वह सीधा उस गमले पे गिरे, ना कि आपके पैरों पे छींटे लगे।
तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको भी लिख लीजिएगा। बुधवार के दिन 11 धूप, जो दुबड़ा होती है, बुधवार के दिन आपको 11 धूप गणेश जी को देनी है, गणेश जी के चरणों में रख देनी है। गणेश जी की आपको एक मूर्ति लेनी है और सुबह जिस समय आप पूजा करते हैं, जो भी आपका पूजा करने का समय है नित्य कर्म करने के पश्चात, उस समय गणेश जी को 11 दुबड़ा 11 धूप के पत्ते अर्पित करें और अपनी इच्छा उनसे बोलें कि हे गणेश, हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, और उसके बाद अपनी इच्छा बोलें। यह आपको करना है। चौथा पॉइंट है, जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो कभी भी जल खाली ना हो। याद रखिए, जल कभी भी खाली नहीं चढ़ाना है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसे आप अपने ध्यान में रखिए कि कभी भी जल खाली आप कभी ना चढ़ाएं। जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो उसके अंदर आपको सबसे पहले घी डालना है। आप उसमें घी डाल सकते हैं, उसके अंदर आप फूलों के पत्ते भी डाल सकते हैं, उसमें गुड़ डाल सकते हैं, उसमें आप हल्दी डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप उसमें जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार हो उसमें आप डाल दीजिए, और उसके बाद सूर्य जी को जल चढ़ाएं। और जब सूर्य जी को जल चढ़ाएं तब आपके मन में कोई और विचार ना आए, इस बात का भी ध्यान रखिए, और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। पांचवा पॉइंट लिख लीजिए, नंगे पैरों से सूर्य देव को कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप नंगे पैरों से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सूर्य देव को जब भी कभी आप जल चढ़ाएं तो नीचे आसन अवश्य होना चाहिए। आसन किसी भी रंग का ले सकते हैं, यदि आप सुनहरे रंग का लें या फिर आप सफ़ेद रंग का लें तो अति उत्तम होगा। इसके बाद मैं आपको पांचवा पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। जब भी आप कभी सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाते हैं तो आप जल्दी में ना रहें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के तुरंत बाद आप वहाँ से ना जाएं। सूर्य भगवान को जब आप जल चढ़ा दें तो 5 मिनट वहीं पे रहें, सूर्य भगवान को प्रणाम करें, उनसे आशीष लें, उनसे अपनी प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, मैं आपसे अपनी प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार से आप अपनी प्रार्थना बोलें, और वहाँ कम से कम आपको 5 से 7 मिनट रुकना है उसी जगह पर, और उसके बाद आपको वापस आना है। इसके बाद मैं आपको 7वां पॉइंट बताता हूँ, जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं तब आपको सूर्य जी के साथ, सूर्य देवता के साथ या सूर्य भगवान के साथ आपको त्राटक अवश्य करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सूर्य देव को जल उस वक्त चढ़ाना है जब वह अपनी लालिमा बिखेर रहे हों, ना कि दोपहर में। आपको सुबह जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद जब वह हल्के लाल रंग के निकलते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं वह दर्शन, उस समय आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है, और 3 बार परिक्रमा जरूर करनी है, यानी कि 3 बार आपको घूमना है और अपनी इच्छा को सूर्य देव के सामने रखना है। जब आप यह सब कर लेंगे तब आपका सूर्य देव को जल चढ़ाना संपूर्ण माना जाएगा। और एक आखिरी पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा कि जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तब बर्तन तांबे का ही होना चाहिए, और किसी पात्र में आपको जल नहीं चढ़ाना। इस प्रकार से आपको जल चढ़ाना है, और ये जल चढ़ाने के बाद आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बहुत गहन शोध के बाद हम ऐसे गूढ़ रहस्य निकाल के लाए हैं जो कि आपको सरकारी नौकरी दिलाने में सक्षम है। इसी वजह से हमारी वीडियो में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, किंतु ये सटीक और उत्तम होती है। इस उपाय को, जो भी मैंने बताए हैं, जो भी हमारे द्वारा आपको उपाय बताए गए हैं, इनको यदि सही तरीके से कोई भी व्यक्ति करेगा तो 100% उसके चांसेस हैं कि उसे सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। और हमेशा की तरह न जाने कितने ही लोगों के काम बने हैं,
उनमें से ही कोई रैंडम हमने एक आपके लिए एक साधिका के कुछ भाव हैं जो कि हमने आपके लिए रखे हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके भाव को ज़रूर सुने, वह क्या कह रही हैं और वह क्या कहना चाहती हैं और किस प्रकार से उनके कार्य बन गए, ये भी आप उनसे पूछिए, उनसे सुनिए और जानिए कैसे उनके कार्य सिद्ध हुए और अपने जीवन में भी वही परिवर्तन लाइए ताकि उनके काम जिस प्रकार से बने आपके भी काम बने और आपके जीवन में भी खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाए। चलिए सुनते हैं यह साधिका क्या कहती है। हाँ सर, आपसे ही बात की ना अभी ना। हाँ जी बोलिए, बताइए। बस आपको थैंक्स कहना था। क्या हुआ था बताइए, क्या काम बन गया आपका? बात ये है कि जो काम 2 महीने से नहीं हुआ था वो एक दिन में हो गया, इसलिए मैं आपको थैंक्स बोल रही थी। अच्छा, क्या काम हुआ ये बताइए। हुआ यूँ कि क्या है कि मेरा जो बीएफ है ना उससे बात नहीं हो रहा था 2 महीने से, तो मैं जब आपका साउंड सुनी तो एक दिन में मतलब 24 घंटे में कॉल आ गया। अच्छा, हाँ। कौन सा वाला साउंड सुना था आपने? वो फर्स्ट साउंड, वो जो मेडिटेशन के लिए दे रखा है। हाँ जी सर। जिस पे लिखा हुआ इच्छा पूर्ति धुन, वो वाला या फिर जिसमें लिखा अत्यंत चमत्कारी और मंत्र लिखा हुआ है? अत्यंत चमत्कारी मंत्र 108 बार जाप करने वाला। हाँ, साउंड है उसमें। अच्छा, तो कैसे सुना था आपने वो बताइए। ऐसी बस नॉर्मली कितनी एक दो बार सुना और मतलब एक दो बार में आपका काम मैजिक हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, आपका काम बन गया। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी कुछ बताइए जो हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे चैनल देखते हैं, तो उनको भी बताइए कि चैनल में जो वीडियो वाकई काम करती है। हाँ सर, काम तो करती है, मैंने भी देखा। अच्छा, आप खुश हैं ना आपका काम बना तो? हाँ सर, आई एम सो हैप्पी। जी, बस यही पूछना था। और इसीलिए मतलब लोगों के काम बनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए, आपके भी। हाँ सर, मतलब वो धुन में ऐसा क्या है जो मतलब 2 महीने से जो नहीं हो पाया वो एक दिन 24 घंटे में हो गया। देखिए, वो जो धुन है वो एक्चुअली क्या होता है ना, 512 की फ्रिक्वेंसी पे सेट की हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, जो लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता। अब हमें तो पता है कि हमने उसको कैसे बनाया है और किस फ्रिक्वेंसी पे उसको सेट कर रखा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको सुनने भर से ही काम होता है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी वाइब्रेशन छोड़ती हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। जी सर, उसमें थोड़ा बिलीव करने की जरूरत होती है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। बिल्कुल, आप विश्वास करेंगे। देखो, जब आपने किया होगा तो आपने पूरा विश्वास किया होगा। हाँ जी, विश्वास करके किया तो काम बना। इसी तरह से सुनते रहेंगे तो कोई भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है तो बस आप वो धुन सुनिए पहले तो, क्योंकि वो हर इच्छा को पूरा करता है। जी सर, मैंने देखा। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ मनगढ़। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है? ओके। तो देखा किस प्रकार से इस साधिका के सारे कार्य सिद्ध हो गए, इसी प्रकार से आपके भी सिद्ध होंगे। और हमेशा की तरह मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, यदि इस संसार में किसी और के कार्य सिद्ध हो सकते हैं तो आपके भी सिद्ध हो सकते हैं। आवश्यकता है तो पूर्ण विश्वास की और सच्ची निष्ठा की। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी कोशिश, हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत व्यस्त होते हैं पूजा पाठ के कार्यों में, किंतु फिर भी हम अपने समय में से आपके लिए समय निकालेंगे। आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं और हमें डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो तो उसके लिए आप हमें कभी भी किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हैं। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं या आपका कार्य बना है, आप भी लोगों को बताना चाहते हैं ताकि लोगों का भला हो सके, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
और मेरी एक बात अंत में अवश्य याद रखिएगा कि परमेश्वर को छोड़कर कहीं और दिल लगाया तो अंत में पछताना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। शिव सबके सहाय।